40,000 रुपये जो है यहाँ के आपको और पे करने हैं हार्बर टैक्स के, इसी काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। 1.5 लाख रुपया एक घोड़ा गाड़ी का। शाम को 7 बजे एक फायर शो होने वाला है। ये पूरा शोल्डर जो है ना पूरा छिल गया है। दिस लाइक अमिताभ बच्चन एंड आई एम लुक लाइक शाहरुख खान। वेज फूड के लिए बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है। माय फेवरेट एक्टर इज सलमान खान। ब्रेकफास्ट के लिए ज्यादा वेजिटेरियन में कोई ऑप्शन नहीं है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल परेश जैन में स्वागत है। तो आज का जो ट्रैवल व्लॉग बनने वाला है वो है गिली पर। गिली जाने के लिए कैसे जाना मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि मेरी आइटनरी क्या थी। मेरी आइटनरी जो थी, सबसे पहले मैंने उबूद में 3 दिन का स्टे किया था, उसका वीडियो बना चुका हूँ और आप लोग पहले उसे देख लो। और उबूद से फिर गिली जाने के लिए मुझे भी नहीं पता था कि पोर्ट उबूद में नहीं है। मुझे लगा उबूद में ही कहीं पोर्ट होगा और वहीं से बोट वोट पकड़ के वहाँ से हम लोग चले जाएंगे गिली, बट ऐसा नहीं था। उबूद से गिली जाने के लिए सबसे पहले आपको उबूद से करीब 1 घंटे का ट्रैवल करके पडांगबाई पोर्ट है, यहाँ पे इस पोर्ट पे आना पड़ता है, जो कि उबूद मेरे होटल से करीब 1 घंटे 20 मिनट का रास्ता था या 1 घंटे का रास्ता था। तो ये एक ट्रैवल है, 7:15 बजे हम लोग वहाँ से निकले थे और अब मैं आ चुका हूँ इस पोर्ट पर। आप मेरे पीछे देख सकते हो काफ़ी सारी स्पीड बोट्स है यहाँ पर, बहुत सारी स्पीड बोट है। और अब आपको मैं चार्ज बता देता हूँ। यहाँ से पहले तो सबसे पहले 1.5 घंटे का रास्ता है मेरे ख्याल से, मैंने अभी तक कंफर्म नहीं किया है, बट कल मेरी बात हुई थी यहाँ से, उसने कहा कि 1 आवर 30 मिनट्स का स्पीड बोट में यहाँ से ट्रैवल है गिली के लिए। दूसरी महत्व की बात, अब आप पूछेंगे कि उसका टिकट फेयर कितना है। तो टिकट फेयर भी दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि करीब यहाँ के 32 लाख रुपये है, तो इंडिया के होते हैं कुछ 16,000 रुपये, यानी कि 4 जन के हो गए पर पर्सन के, 16,000 रुपये 4 जन के पर पर्सन कॉस्ट हो गई उसकी 4,000 अप्रॉक्स, 4,200-4,100 अप्रॉक्स। तो ये है, 4,000 रुपये में आपकी रिटर्न टिकट हो जाती है। तो आई थिंक इट्स फेयर इनफ, कोई ज़्यादा है नहीं एक्सपेंसिव, और उसमें आपकी एक खूबसूरत सी ब्यूटीफुल सी बोट राइड भी हो जाती है। और बोट की कंडीशन आप मेरे पीछे देख सकते हो, काफ़ी सारी बोट यहाँ पर लगी पड़ी हुई है। यहाँ पर स्पीड बोट भी है, यहाँ पर छोटी बोट भी है यहाँ पर। तो स्पीड बोट में अच्छा है कि लगेज ऑप्शन आपको अच्छा मिल जाता है। और दूसरी महत्व की बात, मैंने टिकट कहाँ से बुक की है, तो मैंने जो है आन को ही कहा था टिकट्स बुक करने के लिए, पर आप खुद भी टिकट बुक कर सकते हो। ये है जिस ट्रैवल में मैंने जिनसे मैंने अभी जिनके स्पीड बोट में बैठ के मैं जाने वाला हूँ, मंत्रा एक्सप्रेस फास्ट बोट, और मोबाइल नंबर इसमें लिखा हुआ है। चाहिए तो मैं आपको स्क्रीन पर भी डाल दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, ताकि आपको भी जब बुक करना हो तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, या इनको व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए और अपनी टिकट्स बुक कीजिए। तो अभी के लिए इतना। अभी जो बोट का टाइमिंग है वो है 9:30 बजे का, अभी बजे है 8:30, तो 1 घंटा मेरा यहाँ वेटिंग है। पर हाँ, आप 1 घंटे पहले पहुँच जाइए, बिकॉज यहाँ पे 9:30 का टाइम है, तो 9:30 बजे बोट पक्की रवाना हो जाती है। तो बस अब चलते हैं, थोड़ी देर वेटिंग एरिया में बैठेंगे और वहाँ से फिर जो है स्पीड बोट का मज़ा लेंगे। लेट्स गो। यहाँ पे जब आप हार्बर पे चेक करते हो तो यहाँ की करेंसी के हिसाब से पर पर्सन 10,000 रुपीज़ यहाँ की करेंसी। तो 40,000 रुपये जो है यहाँ के आपको और पे करने हैं हार्बर टैक्स के, जो कि मुझे भी नहीं पता था और किसी ने मुझे बताया भी नहीं था। तो एक और नया सरप्राइज़ है, आप लोग ध्यान में रखना। क्योंकि कन्वर्ट करूँगा तो करीब 200 रुपये 4 जन के, 50 रुपये पर पर्सन, तो वो मुझे नहीं पता था। तो ये एक बात मुझे यहाँ पता चली, तो वो भी हमने पे कर दिया है। अभी मेरे जो ठीक पीछे वाली बोट है ये मेरी नहीं है, पर इसमें सामान देखिए किस तरीके से बोट में डाल रहे हैं, आपको दिखा देता हूँ। मेरी जो बोट है वो वाइट एंड ब्लू वाली जो बोट वहाँ खड़ी है, वो फास्ट बोट है जिसमें बैठ के हम यहाँ से निकलेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको बता दूं कि बोट में जो एसी है ऊपर, जो वो एसी काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, और इन्होंने बोट के आगे जो दो एसी लगाए, एक राइट में एक लेफ्ट में, उसकी हवा यहाँ तक इतनी आ नहीं रही है। बहुत ज़बरदस्त गर्मी है। अब मैं क्या कहूँ, जब मैं पोर्ट पे खड़ा था वहाँ पे भी तो लिटरली सन बर्न हो रहा था, और यहाँ पे स्किन पूरी जल गई है मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे यहाँ पे।
तो भाई बाहर आते ही सबसे पहले जो मेरा रिसोर्ट है वो कार्डिया रिसोर्ट है, तो कार्डिया यहाँ से करीब चल के जाऊंगा तो 30 मिनट का रास्ता है, तो इतना टाइम वेस्ट करने की कोई सोची नहीं है मैंने। तो यहाँ पे ऐसी ये घोड़ा गाड़ी है यहाँ पे जिसपे आप बैठ के जा सकते हो, 1.5 लाख रुपया एक घोड़ा गाड़ी का, यानी कि 3 लाख रुपया दो घोड़ा गाड़ी का, 3 लाख रुपये में से देना पड़ेगा ताकि हम फटाफट यहाँ से पहुँच सके। तो लेट्स गो गाइज। तो गाइस चलते चलते आपको प्रॉपर्टी का एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि यहाँ से प्रॉपर्टी कैसी दिख रही है। ये देखिए मैंने जो यहाँ पे रूम लिए है वो है पूल एक्सेस रूम इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो मेरे रूम से पूल एक्सेस बहुत ही इजी है, यहाँ पे दो कैटेगरी है, बिना पूल एक्सेस का भी आप ले सकते हो, लेकिन जो पूल एक्सेस मेरा है वो 22 रूम वाले जो है एक साथ में एक्सेस करते हैं जिनके गैलरी के बाहर ही सीधा पूल है, ऐसा मैंने फ़ोटो में देखा है। और बहुत ही अच्छी बात आज ये भी है कि आज यहाँ पे जो है शाम को 7 बजे एक फायर शो होने वाला है, तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्वेस्टिक पार्टी भी यहाँ पे है। तो क्या बोलूँ, आते ही सारे खुशखबरियाँ एक साथ मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग जो है आज एंजॉय करने वाले हैं। बट द वर्स्ट पार्ट इज़ दैट कि जो मैंने ये होटल बुक की है ये प्रॉपर हार्बर से बहुत दूर है, 3 किलोमीटर। और मुद्दे की बात यह है कि पूनम को साइकिल आती नहीं है, कृषल ने बहुत सालों पहले साइकिल चलाई हुई है, तो अब कैसे हम लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल करेंगे रोज 3 किलोमीटर, ये एक टेंशन वाला मैटर है। इलेक्ट्रिक बाइक है यहाँ पे, बट मुझे जैसा कि होटल वालों ने कहा है कि वो इलीगल है, आपको शायद कभी कोई चेकिंग के लिए आया तो पकड़ सकता है, तो ये एक टेंशन वाला काम है। तो अब यहाँ से बाहर निकलेंगे, पहले चेक इन करेंगे, और बाहर निकल के सबसे पहले साइकिल, साइकिल के बगैर आप यहाँ पे हैंडीकैप हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। गाइस 2 घंटे से स्विमिंग करके मज़ा आ गया इस रिसॉर्ट पे। इस रिसॉर्ट की एक बहुत बात अच्छी मुझे ये भी लगी कि इस रिसॉर्ट में आपके रूम में इंटरकॉम सिस्टम दिया हुआ नहीं है, आपको अगर कुछ भी काम है तो यहाँ का एक व्हाट्सएप नंबर है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, खाना पीना या जो कुछ भी आपको चाहिए 2 मिनट के अंदर वेटर वो आपके यहाँ पर रूम में लेके आ जाएगा। यहाँ पर मैंने देखा एक तो पोल्यूशन फ्री है, कोई व्हीकल नहीं है, प्लस नॉइज़ भी नहीं है, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए इन्होंने यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज रखा हुआ है। तीसरी अच्छी बात कि इस पूरे स्विमिंग पूल का जो पूरा एरिया है यहाँ पर कहीं पर भी इन्होंने सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया है ताकि आपकी प्राइवेसी जो है वो मेंटेन रहे। गाइस इस वक्त बज चुके हैं शाम के 5:45 और अब जो है गर्मी बहुत कम हो चुकी है, बाकी दोपहर को तो जब हम वो स्पीड बोट का जब वेट कर रहे थे तब इतनी ज़बरदस्त गर्मी थी, और जब मैं यहाँ पहुँचा तब भी इतनी ज़बरदस्त गर्मी थी कि मैं क्या कहूँ आपसे, ये पूरा शोल्डर जो है ना पूरा छिल गया है इतनी गर्मी, और ये चेहरा जो है ना यहाँ पे ये सब स्किन फट चुकी है, नोज़ भी मेरा रेड हो गया है सनबर्न के कारण, बहुत ज़बरदस्त गर्मी थी। तो खैर इसलिए आते ही सीधे स्विमिंग पूल में जाना पड़ा, 2 घंटा हमने स्विमिंग की वहाँ पे, और अब जब शाम के 5:45 हुए तो क्लाइमेट जो है सुहावना हुआ है, तब हम अब बीच पे, यहाँ पे एक स्ट्रीट ही है, स्ट्रीट पे चल के बस एंजॉय करना है, और साइकिल के लिए हम बात कर रहे हैं, साइकिल के जो प्राइस यहाँ पे हमें मिले हैं फ़िलहाल जो नॉर्मल पेडलिंग वाली साइकिल है उसके 50,000 रुपीज़, और इलेक्ट्रिक बाइक जो है उसका प्राइस हमें मिला है यहाँ पे, उसने हमसे कहा है 3 लाख रुपीज़ फॉर 24 आवर्स। तो लेट्स सी क्या अच्छी डील होती है, उसके हिसाब से हम जो भी है एक ले लेंगे अभी ताकि आना जाना इजी हो जाए। हेलो आई एम दानी फ्रॉम गिली। या फ्रॉम गिली, कभी खुशी कभी गम। तो अभी भी इसने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है कि मैं अमिताभ बच्चन के जैसा लग रहा हूं। He's like Amitabh Bachchan and I am look like Shah Rukh Khan sometimes. Okay guys, if you want e-bike, you can please come and take e-bike from him. Charges are very nominal charges. They are charging for me 2 lakh rupees
currency for the one day, 24 hours. So I took two e-bikes from him and a very good condition. Yes. Thank you so much. ये रही मेरी e-bike. Life में पहली बार e-bike चला रहा हूँ मैं, तो मज़ा आने वाला है. और पीछे जो e-bike है वो थोड़ी सी नई है, मेरी वाली थोड़ी पुरानी है. इसका थोड़ा सा ये footrest जो है वो टूटा हुआ है, बट इट्स ओके. अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था तो फटाफट टाइम ना बिगड़े इसलिए मैंने ज़्यादा मगजमारी नहीं की है पैसों के इनसे. अब सीधे मार्केट जाएंगे, वहाँ पे मनी एक्सचेंज करेंगे और देन सनसेट इन्जॉय करेंगे जितना फास्ट हो सके. लेट्स गो. वेजिटेरियन फूड के लिए अगर आपको कोई ऑप्शन यहाँ पे गिली में चाहिए तो मेरे सामने एक बहुत ही अच्छी रेस्टोरेंट है. मुझे काडिया वाले ने बताया था इस रेस्टोरेंट के बारे में, जिसका नाम है द बनियन ट्री. ठीक मेरे सामने है, जो कि हार्बर से आपको राइट में आगे की ओर बढ़ना है, 200-300 मीटर की दूरी पर है. तो कैमरा रोटेट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको वेज फूड के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है. और मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ करीब करीब 80% जो फूड है प्योर वेज है. तो ये देखिए द बनियन ट्री, टेक अवे कॉफ़ी भी है यहाँ पे. और ये इसका मेन्यू है. मेन्यू में देखिए ब्रेकफास्ट है, चॉकलेट पीनट बॉल, ग्रीन बॉल, ट्रॉपिकल बॉल, ये सब कुछ जो है प्योर वेज है. यू कैन कम टू दिस प्लेस एंड हैव अ वंडरफुल वेजिटेरियन फूड. ये रही है रेस्टोरेंट. गाइस आपको ले चलता हूँ कार्डियक रिसोर्ट के ठीक सामने, जो उनका एक बीच है. प्राइवेट बीच तो नहीं है लेकिन अच्छा सा बनाया है. यहाँ पे बैठ के आप चिल आउट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा सेटिंग एरिया है. तो दिखाता हूँ कैसा है. ये मेरे पीछे है जो है कार्डियक रिसोर्ट गिली, और इसके यहाँ पे जो है यहाँ से आप एंट्रेंस करके आ सकते हो. और यहाँ पे इन्होंने खुद का बहुत सा अच्छा बैठने का एरिया बनाया है, जहाँ पे आप ब्यूटीफुल सनसेट इन्जॉय कर सकते हो. और यहाँ पे बीच में इन्होंने बीच में बहुत ही अच्छा फोटोग्राफी के लिए बूथ बनाया है हार्ट शेप में, काड़िया नाम से. तो यहाँ पे एक अच्छा फोटोशूट भी कर सकते हो. और ये देखिए सीधे समंदर, यहाँ से नीचे उतरते ही सीधे समंदर. तो बहुत ही खूबसूरत सा ये व्यू है. मुझे ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत ही नई है. इसे 2022 में ही बनाया गया, यानी कि 2 साल ही हुए इस प्रॉपर्टी को. 5 पार्टनर्स हैं इनके, और यहाँ का स्टाफ भी जो है बहुत ही हम्बल है, बहुत ही मैं क्या कहूँ, बहुत ही मिलनसार है. कल रात को हमने साथ में बैठ के बहुत धमाल की है, बहुत बातें की है, बहुत ही गाने भी साथ में गाए हैं. और यहाँ पे मिस्टर गुड्डे करके है, अभी मुझे यहाँ मिले नहीं तो मैं आपको उनसे मिला था. उन्होंने भाई साहब ने कल दिल तो पागल है और अरिजीत के गाने, एंड ही इज़ अ बिग फैन ऑफ यू नो शाहरुख खान, और सारी बॉलीवुड पिक्चर इन्होंने देखी हुई है, यहाँ तक कि रामायण और महाभारत भी इन्होंने पूरा देखा हुआ है. और इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बाली में, इंडोनेशिया में सभी लोग जो है बॉलीवुड के दीवाने हैं. बॉलीवुड सॉन्ग्स के दीवाने हैं, पिक्चर के दीवाने हैं, शाहरुख खान के दीवाने हैं और अमिताभ बच्चन साहब के दीवाने हैं. और हाँ एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कोई मुझे परेश नाम से नहीं बुला रहा है, यहाँ सभी लोग मुझे मिस्टर बच्चन नाम से बुला रहे हैं इस बियर्ड के कारण. खास मित्र है, इनसे मिलाऊंगा गुडे से, क्योंकि बहुत ही अच्छे व्यक्ति. और कल रात को जो हमने बहुत ही धमाल की है, कुछ गाने इन्होंने गाए, कुछ गाने मैंने गाए, और ये बॉलीवुड के बहुत बड़े दीवाने हैं. तो नाउ इनसे मिलाता हूँ आपसे, और ये क्या बोलते हैं वो सुनिए अभी. ओके, आई एम गुडे, कम टू गिली आइलैंड एंड स्टे एट आवर होम कार्डिया रिसोर्ट प्रमाना एक्सपीरियंस. माई फेवरेट एक्टर इज सलमान खान. आई लाइक टू हिम, तुम ही हो यार. एंड दिल तो पागल है. दिल तो पगल है एंड कुछ कुछ है ऑफ कोर्स. हाँ, भरत इज फेवरेट फॉर एवरीवन इन इंडोनेशिया. सो वी वॉच हिंदी मूवी सिंस आई वॉज 10 years old.
now I was 30, so 30 years we watched Bollywood movie in Indonesia. So guys, इस वक्त मैं जिस जगह पे हूँ उसका नाम है पिंक कोको, और यहाँ पे सबसे फेवरेट मेरा पसंदीदा स्पीकर लगा हुआ है। मेरे पास सारे स्पीकर जो है वो सारे के सारे बोस के हैं। तो देखिए, एक छोटा सा बोस का स्पीकर यहाँ पे लगाया हुआ है, जिससे इस पूरी जगह पे जो है बहुत ही खूबसूरत और लुभावना, बहुत ही ब्यूटीफुल सा साउंड यहाँ पे इन्होंने क्रिएट किया है। ये देखिए पिंक कोको, और इस जगह को कल ही मैंने देखा था यहाँ से निकलते हुए, नज़र पड़ी थी मेरी जगह पे कि बिकॉज ये जगह बहुत ही अट्रैक्टिव है, पिंक कलर में है इसलिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो कल ही शाम को जब निकला तो मैंने सोचा था कि अगले दिन का जो सनसेट है मैं यहीं से बैठ के इंजॉय करूँगा। तो इस वक्त ठीक मेरे सामने सनसेट हो रहा है, सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और एक खूबसूरत सा नज़ारा जो है मोबाइल में कैप्चर करने के लिए सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। किसी के हाथ में पेय, तो किसी के हाथ में पानी की बोतल, तो किसी के हाथ में सिगरेट, या कोई शांति से बैठ के इन लहरों की आवाज़ को सुनते हुए सनसेट को देख रहा है। वैसे सनसेट को देख पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बादल यहाँ पे इतने हैं और इतने खूबसूरत बादल है कि लेकिन फिर भी बादलों के पीछे से छिपता हुआ सूरज की जो रोशनी है इस पूरे आसमान पे है, और आसमान का रंग जो है इस वक्त बिल्कुल पिंक ऑरेंज और बहुत ही अलग डिफरेंट है। मैं आपको चलो कैमरा रोटेट करके एक बार ये नज़ारा दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत यहाँ पे इस वक्त नज़ारा है, और वो भी दिखाता हूँ कि कितने सारे लोग यहाँ पे इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए अपने अपने फ़ोन में काम पे लगे हुए हैं, इंक्लूडिंग माय डॉटर्स। ये देखिए दोनों कैप्चर कर रही है खूबसूरत नज़ारा, और ये सारे लोग जो है अपने अपने हाथों में मोबाइल लेके बैठे हुए हैं सनसेट को कैप्चर करने के लिए। और ये यहाँ से खूबसूरत नज़ारा होटल का। और दोस्तों एक और बात बता दूँ कि इस होटल में अगर आप आते हो तो यहाँ पे वीगन फूड के और वेज फूड के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज हमने यहाँ पे पास्ता मंगाया है और एक मॉकटेल मंगाया है जो कि बहुत ही टेस्टी भी है। तो आप जब कभी गेली आते हो तो इस जगह पे आके ज़रूर सनसेट को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद गाइस। तो काडिया रिसोर्ट में ब्रेकफास्ट के लिए ज़्यादा वेजिटेरियन में कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ ब्रेड और सब में पिज़्ज़ा की जो रोटी होती है उसमें भी एग होता है, तो वीगन का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। पर हमने इनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की तो इन्होंने दो दिन का जो ब्रेकफास्ट है हमें उसमें स्पेशली कहीं से भी उन्होंने वीगन ब्रेड अरेंज किया है हमारे लिए। और ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है, लेकिन दो तीन ऑप्शन उन्होंने हमें दिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो ये फ्रूट बॉल है मेरे लिए, कॉफ़ी है, और ये और जूसेस। तो ज़्यादा कुछ ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन वी आर ओके विथ इट और वी आर सो हैप्पी। तो गाइस गिली से अब निकलने का समय आ चुका है, बहुत ही खूबसूरत मेमोरीज के साथ में गिली में मैंने अपने दो रातें और तीन दिन जो स्पेंड किए हैं। अब बस तांगा भी मेरा रेडी है और पोर्ट की तरफ मुझे जाना है, लेकिन जाने से पहले गिली की कुछ खूबसूरत मेमोरीज जो कि थी कल शाम की। आज कल शाम का सनसेट, बहुत ही खूबसूरत सनसेट मैंने कल देखा है यहाँ पे, और बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम पिंक कोको में मैंने स्पेंड किया है। और साथ ही रिटर्न आने के बाद में मैं फिर से एक बार मेरा स्कूटर लेके मैं वापस टूवर्ड्स पार्टी की तरफ गया था मैं वहाँ पे। तो रास्ते में चलते हुए मेरी नज़र जो थी वो समंदर पे पड़ी, और ठीक मेरे सामने चांद था, मून, और उसका रिफ्लेक्शन जो चांदनी थी पूरे समंदर के ऊपर पड़ रही थी। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं पार्टी में नहीं गया, और मेरा स्कूटर वहीं पे रोका मैंने, और करीब 30-35 मिनट या शायद इससे भी ज़्यादा समय के लिए मैं वहाँ बैठा और बस चांद को निहारता रहा, चांद को देखता रहा, उसकी चांदनी को देखता रहा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दैट वाज एन अमेजिंग मोमेंट ऑफ माय लाइफ, बहुत ही खूबसूरत मोमेंट मैंने वहाँ पे स्पेंड किया, और बस यही गिली की मेरी बहुत खूबसूरत मेमोरीज है। तो अब चलेंगे यहाँ से समिनाक के लिए, वहाँ का व्लॉग शूट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।